नमस्कार चिल्ड्रन, आज हम लोग पढ़ेंगे कविता अट नहीं रही है। जैसा कि कविता पढ़ने से ही समझ में आता है, ये प्रकृति चित्रण के ऊपर है। प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट करना छायावाद की विशेषता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि निराला जी छायावादी कवि थे। निराला जी ने इस कविता में फागुन के महीने का वर्णन किया है। ये महीना वही महीना है जिसमें होली आती है। उन्होंने फागुन का ही चित्रण नहीं किया, बल्कि लोगों के मन में उठी उमंग का भी चित्रण किया है। फागुन के महीने में वातावरण बहुत ही सुंदर होता है। प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनोहारी होता है। जगह जगह फूल खिलते हैं, भौरों का गुंजार सुनाई देता है, कोयल कूकने लगती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है, तो वातावरण बहुत ज़्यादा ही आकर्षक और मनोहारी होता है। उस समय जैसा कि हम जानते हैं कि शीत ऋतु समापन की ओर होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तो इसलिए उस समय ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मौसम भी बहुत आनंद देने वाला होता है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है मीन्स समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा मीन्स सौंदर्य। किसका? फागुन का सौंदर्य प्रकृति में समा नहीं रहा है। धरती पर इतना अधिक फागुन का सौंदर्य बिखरा है कि वह धरती में समा नहीं पा रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूल खिले हैं और जब हवा उनसे छूते हुए निकलती है तो संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है मानो फागुन सांस ले रहा है और उसके सांस लेने से सुगंध हर घर तक फैल गई है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। उड़ने को नभ में, कवि का मन इतना हल्का इतना आनंदित हो उठता है कि उसका मन करता है कि वो भी पंख लगाकर उड़ने लगे। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। सौंदर्य कवि को इतना ज़्यादा आकर्षित करता है कि वो उस सौंदर्य से आँख हटाना चाहता भी है किंतु वह हटा नहीं पाता। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पतझड़ का समय बीत चुका होता है और पेड़ों पर नई नई कोपल पत्ते आते हैं, तो जब नए पत्ते आते हैं तो वो कहीं कहीं कुछ कुछ पत्ते कुछ रेडिश कलर के भी होते हैं। इसीलिए कवि ने बताया कि कहीं पर हरे पत्ते हैं तो कहीं लाल हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। और चारों ओर जो फूल खिले हैं उन फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के हृदय पर माला पड़ी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है मीन्स हर कण में हर स्थान पर इतनी अधिक शोभा है, इतना अधिक सौंदर्य है कि वो धरती पर मानो समा नहीं रही है। इस प्रकार से
हमने देखा कि कवि ने यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ मनुष्य की भावनाओं का भी वर्णन किया है। नमो शिवाय।